दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पंजाब में गौओं की रक्षा हेतु गो सेवा मिशन की ओर से कई प्रमुख मांगे पंजाब सरकार के समक्ष रखी गई थी, जिन्हें पंजाब सरकार द्वारा अहम फैसला लेते हुए लागू करने की घोषणा कर दी गई है। इस संबंधी गो सेवा मिशन के मेंबरों द्वारा लुधियाना के निजी होटल में स्वामी कृष्णानंद जी महाराज की अध्यक्षता में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गौओं को बचाने व उनकी सुरक्षा के लिए सराहनीय फैसला लिया गया है। उनका कहना है कि पंजाब सरकार द्वारा पंजाब की लगभग 130 गौशालाओं को मुफ्त बिजली सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस मौके पर सभी मेंबरों ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा इन अहम फैसलों से गौओं को बचाने व उनकी सही देखभाल करने में बेहद मदद मिल सकेगी। लंबे समय से जे पंजाब वासियों गौ भक्तों की मांग थी कि जो भी आज पंजाब में गौ तस्करी हो रही है या गौ हत्या हो रही है, सरकार गौ हत्या करने वालों के ऊपर कड़ाई करे, उसके अंतर्गत 10 साल की कैद का प्रावधान पंजाब सरकार ने किया है, जो एक सराहनीय काम है। इनके साथ साथ हम गौ भक्त ये भी मांग करते हैं कि पंजाब के धारीवाल, गुरदासपुर, सुभानपुर और पंजाब के और भी कई क्षेत्रों में बहुत बड़े रूप में गौ तस्करी हो रही है और गौ हत्या अंदर छिपे खाते हो रही है। छोटे छोटे कई जगह पर कुचड़खानी चल रहे हैं। अभी पिछले दिनों आलोवाल पिंड में भी गौ माता की हत्या का एक बहुत बड़ा कांड सामने आया। इसलिए हम सब भक्तों की ये मांग है कि पंजाब में कोई भी बुचड़खाना नहीं बने जीव हत्या के लिए और गौ हत्या के लिए, और जो पहले बुचड़खाने चल रहे हैं उनको भी सरकार बंद करे।